खबर लखनऊ से, जहां पर शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई है। युवती ने 9 लाख से अधिक की ठगी की है। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का ऑफर दिया गया, युवती ने युवक के साथ लाखों की ठगी की है। पीड़ित ने हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज करवाई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां पर शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई है, युवती ने 9 लाख से ज्यादा की ठगी की है युवक के साथ। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का ऑफर आया, जिसके बाद अब ठगी का मामला सामने आ रहा है। युवती ने युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली है और शादी का झांसा देकर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने हजरतगंज में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अपनी पीड़ा बताई है जो युवती ने उसके साथ किया है। 9 लाख रुपए की ठगी की है, उससे ज्यादा की ठगी की है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। शिवा, 9 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी शादी का झांसा देकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए हिमांशु, हजरतगंज के ब्रांगान नारायण रोड पर रहने वाले मनोज अग्रवाल ने कुछ समय पहले ही मेट्रोमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी और उसी प्रोफाइल पर एक प्रियंका कुमार उर्फ प्रिया सिंह नाम से एक रिक्वेस्ट आई थी। इन दोनों ने ही आपस में ये कहा जा सकता है कि बातचीत हुई और बातचीत के बाद दोनों की शादी तय होने तक बात हो गई, लेकिन प्रियंका ने बताया कि उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, लिहाजा वो अकेले रहती है। लेकिन एक स्कूल उसकी बोली मौसी है और उसका भाई है जो चचेरा भाई है। इन तीनों लोगों ने मनोज अग्रवाल से पहले कुछ दिन तक बात की, दोनों ने लखनऊ आकर के एक दूसरे से मिला भी, लेकिन पीड़िता जो जो आरोपित है, जो ठगी करने वाली जो युवती है, उसने अपने पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो छुड़ाने के नाम पर इनसे कुछ पैसे लिए थे, पहले 6 लाख रुपए, फिर अकाउंट में, और उसके बाद कुछ कैश पैसे दिए थे। कुल मिलाकर के 9,60,000 रुपए की जो रकम थी उसको लेने के बाद पीड़ित ने उस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और जब युवती की छानबीन की, उसको खोज निकालने की जो मशक्कत थी वो कई दिन तक करी, उसके बाद जब वो नहीं मिली तब उसको इस बात के एहसास हुआ कि तीनों लोगों ने मिलकर उसके साथ ठगी की है। लिहाजा मनोज अग्रवाल ने हजरतगंज कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें प्रियंका नामक युवती के साथ साथ दो अन्य लोग हैं जो उसकी मुंह बोली मौसी और भाई शिवम, तीनों लोगों की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है और ये कहा जा रहा है कि सर्वलंस के जरिए जो तीनों नंबर थे मनोज अग्रवाल के पास, उनके जरिए पुलिस उन ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शिवा, ये शादी कितने दिन पहले हुई थी और ये कब पता चला उस युवक को कि उसके साथ ठगी हो गई है? देखिए बीते दिसंबर महीने में 19 तारीख को जो शादी से पहले जो रस्म होती है वो रस्म आधी अधूरी तरीके से हो चुकी थी, लिहाजा उसके बाद ही उस युवती ने, जो प्रियंका नाम की युवती है, उसने एक नाटकीय ढंग से उससे पैसे मांगे और ये कहा जा सकता है कि शादी पूरी तरीके से नहीं हुई थी मनोज अग्रवाल से और लिहाजा आधी अधूरी शादी थी और इसके बाद पूरा एतबार और पूरा विश्वास उस युवती के ऊपर मनोज को हो चुका था और उसी के बाद उसने कुछ रकम, ये कहा जा सकता है कि सहानुभूति की ओर से उसने कुछ रकम लाखों रुपए की उसको दी थी और ये कहा जा सकता है कि उसने रकम को वापस चुकाने की बात कही थी, लिहाजा जब वो रकम उसको पूरी तरीके से जालसाजों को मिल गई उसके बाद उन्होंने सारे मोबाइल नंबर जो मनोज के पास थे उन सभी को बंद कर लिया, उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहना है कि कुछ नंबरों की जो लोकेशन है वो लखनऊ के बाहर एक जनपद में मिली है, लिहाजा पुलिस की टीमें वहां पर गई है और लोगों की तलाश कर रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शादी का झांसा देकर 9 लाख से ज्यादा की ठगी की गई, हालांकि शादी पूरी हो नहीं पाई, आधी अधूरी शादी उसे कहा जाएगा, लेकिन 9 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई। तो ऐसे